आज हमने प्रभारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो हमारे नवनियुक्त जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिन हमारे जो बोर्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी दे रखी थी उसकी समीक्षा की गई है। जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं उनको कार्यकारिणी की हिदायत दी गई है और जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी बने, और जो हमारा जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं कि बूथ इकाई, ग्राम पंचायत इकाई, मंडल कार्यकारिणी और जो संगठन के जितने भी पद रिक्त हैं उनको भरना है, उनके लिए उनसे चर्चा की गई है, उनसे जो उनके स्तर पे काम होना है उनसे अपेक्षा की गई है, और जो हमारे स्तर पे होना है हम पूरा उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, और जल्दी हम लोग हाईकमान को, प्रभारी जी को हमारे यहाँ का जो भी सुझाव होगा वो सौंप देंगे, और जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से जो चिंतन शिविर में फैसला हुआ था कि सभी पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए वो बात भी हम लोग कर रहे हैं, और जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ जिससे उनको लाभ मिले, और जो मोदी सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो उन्होंने जो महंगाई बढ़ा रखी है, जो बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अडानी घोटाला जो हुआ है, ये सब चीज़ें हम गांव के लोगों को जब बताएंगे और गांव में बूथ बूथ में हर घर के ऊपर जा कर के हम बताएंगे जिससे जो केंद्र का कुशासन है उसका खात्मा हो, और हमारी जो लोकप्रिय सरकार है जिसने बहुत अच्छा बजट दिया, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, किसानों के लिए हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने का, नौकरियाँ देने का ऐतिहासिक काम किया है, एक मुद्दा वो बनाते हैं पेपर लीक, पेपर लीक। मैं समझता हूं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने 3.25 लाख नौकरियां या तो दे दी या दे देगा दिसंबर पहले पहले, एक भी स्टेट पूरे जो है हिंदुस्तान में आपको इतनी नौकरियां देने वाला नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, गुजरात में अभी अभी पर्चा लीक हुआ, मध्य प्रदेश में पर्चा लीक हुआ, आज कल पंजाब में पर्चा लीक हो गया, उत्तराखंड में हो गया। मैं समझता हूँ कि पूरे देश की समस्या है जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ जो कानून है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नकल रोकने के लिए या गिरोह के लिए, सख्ती के लिए या कोई गड़बड़ करता उसके लिए नहीं है, ये केवल और केवल बीजेपी, इनके पास में और कोई सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान में, इसलिए परसेप्शन बनाने की बात कर रही है, वो परसेप्शन इनका टूटेगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से 4-5 दिन से पूरे देश में प्रदेश को बदनाम करने की कुचेष्टा भारतीय जनता पार्टी एक गलत मुद्दे को लेकर के कर रही है कि एक जो देवर है उसकी शादीशुदा है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी बात नहीं करके और एक वीरांगनाओं को आगे ला करके उनको बहका करके, पुसला करके उनको, और आगे कर करके कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, आप तो हमारे साथ हो जाओ और सड़क पे बैठ जाओ। मैं उन शहीद परिवार से निवेदन करना चाहता हूँ, उनका हम सम्मान करते हैं कि उनकी कोई भी समस्या है जो वाजिब होने वाली है, कोई पैकेज में कोई दिक्कत है या और कोई जो आप समाधान चाहते हो या कोई सहायता सरकार से चाहते हो तो आप आइए, मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, शहीदों का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन ये इस तरीके के प्रोपोगंडे ला करके, इस तरीके के जो मुद्दे बेवजह बना करके एक परसेप्शन खराब करना चाहते हैं सरकार का और गुड गवर्नेंस का, वो हम लोग नहीं होने देंगे। हमने आज संकल्प लिया है, ऊपर सब कांग्रेस के तमाम जो संगठन के लोग हैं उन्होंने, कि हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाएंगे, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को बताएंगे, केंद्र सरकार की विफलताओं को बताएंगे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टुकड़ों में बटे हुए हैं और प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, 25 में से 25 सांसद फूटी कोड़ी के अंदर से ला नहीं रहे हैं, ERCP हमको दे नहीं रहे जो हमारा अधिकार है, इन सब बातों को लेकर के हम गांव-गांव ढाणी जा करके और जो है वो 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे और 2024 में मोदी का सूपड़ा साफ करेंगे। सारी बातें आपको हमारे प्रभारी जी ने और अध्यक्ष जी ने कही है। राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, हम देखकर राजस्थान के अंदर भी जिस रूप में लोगों ने उनका आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, वो बेमिसाल थी। पूरे देश के अंदर ये माहौल था। मुद्दे क्या थे? महंगाई का था, बेरोजगारी का था, और देश में जो हिंसा है, तनाव है, वो भी मुद्दा था। प्रेम मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए,
और अमीर गरीबी खाई नहीं पड़नी चाहिए, ये तो मुद्दे थे। एक ही मुद्दे उन्होंने लंदन में कहे हैं जाकर के वहाँ पर। अब ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी से जिस प्रकार से पूरे देश में वेलकम हुआ उनका यात्रा में, करीब 3,500 किलोमीटर यात्रा थी, श्रीनगर में लाल चौक में जाकर झंडा फहरा दिया, उससे घबरा करके ये लोग राहुल गांधी को पहले उन्होंने खूब सोशल मीडिया को काम लेके बदनाम किया, खोल खोल के इनकी राहुल गांधी वास्तव में क्या व्यक्तित्व रखता है, कहते वो काम करते हैं। अब जब लंदन वो गए हैं और जिस प्रकार वहाँ लंदन में अपनी बात को रखा है कैम्ब्रिज में भी और अन्य जगहों पर, उसे घबरा करके इन्होंने एक अभियान चला रखा है कि देश के साथ में उन्होंने जो कमेंट किए वो देश हित में नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा कौन सा कमेंट उनका देश हित में नहीं है? आज को सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, या मैं बोल रहा हूँ तो अमेरिका में सुन रहे कोई सुनना चाहे तो इंग्लैंड में सुन सकते हैं, कौन सा मुद्दा जो राहुल गांधी ने यहाँ नहीं उठाया हो और वहाँ उठा दिया हो बता दीजिए मेरे को। इस रूप में घबरा करके एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी खुद, उनके सिपा सलाहकार और राजनाथ सिंह जी बुलवा दिया हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि किस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी इन सबसे ज़्यादा देशभक्त हैं। राहुल गांधी देशवासियों के लिए और देश के लिए जो भावना रखता है हम लोग जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। किस प्रकार वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आम लोगों के लिए भावना रखता है हम जानते हैं। उस व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार से प्रोपेगेंडा शुरू करना, क्योंकि धन बल की कमी नहीं इनके पास में, देश को बर्बाद करें ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवा करके विपक्षी नेताओं पर, पूरे देश में चर्चा के विषय बन चुका है बातें। इन बातों से देश आने वाला नहीं है, गुमराह होने वाला नहीं है, लोग समझ गए हैं इन चालों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं इतनी निवेदन करूँगा इस मौके पर, आज जो मीटिंग थी उसमें कृपा करके हमारी स्कीमों को आप लोगों ने, मेरा निवेदन है आप अपने डिस्कशन में भी, आप अपने आपका जो खुद की पर्सनैलिटी है, आपका जो ओरा है, गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति तक भाव पहुँचना चाहिए, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, वो तभी मिलेगी। तो हमारी स्कीमें जो है गांव में ढाने तक पहुँचे थे, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। हाथ से जुड़ो हाथ प्रोग्राम जो है वो भी इसी के कड़ी का अंग है। शानदार मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और जो उत्साह था हमारे कार्यकर्ताओं में, ब्लॉक अध्यक्षों में, वो देखते ही बनता था। ये बात मैं आपसे कहूँ, धन्यवाद।